2004 से हमको रखा गया, 2 फरवरी 2004 से, तब से आज तक हमारा मानदेय मात्र 200 रुपये में 2000 मिलता है, जो 66 रुपये 66 पैसे के बराबर है, जिसमें हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जब महंगाई के टाइम में 66 रुपये से तो कोई अपने परिवार का भरण पोषण कर नहीं सकता है। इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमका न्यूनतम वेतनमान पीआरडी और होमगार्ड की तर्ज पर दिया जाए। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जाए थे चैती में, वहाँ भी ज्ञापन दिया है और हर तहसील में ज्ञापन दिया है, तो आज हम हल्द्वानी आए हैं और हम नहीं मानेंगे तो हम देहरादून भी जाने को तैयार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ निशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहाँ ग्राम प्रहरी कर्मचारियों की ओर से सरकार से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। हम आपको बता दें कि लोग दूर दराज से यहाँ पर सरकार को जगाने के लिए आए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इनका जो मानदेय है वो 2000 से बढ़ाकर कुछ और किया जाए, जिससे इनके जीवन यापन में इनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मात्र 2000 रुपये जो इनको मानदेय मिल रहा है, उससे इनको कितनी परेशानी हो रही है, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और क्या कार्रवाई इनकी ओर से आगे की जाएगी सरकार से मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं BC पंत, सामाजिक कार्यकर्ता सच के साथ संगठन, आज पूरे उत्तराखंड से हमारे ग्राम प्रहरी जिनका वेतन बहुत कम है, मात्र 2000 रुपये है, तो उन्होंने आवाज़ लगाई है और बहुत जल्दी हमारा देहरादून जाने का प्रोग्राम है। आज हमारे संग अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तमाम जगह से आए हैं, आइए उनसे जानकारी ले लीजिए आप। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह बोरा। क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी? कि हम सर 2004 से हमको रखा गया, 2 फरवरी 2004 से, तब से आज तक हमारा मानदेय मात्र 200 रुपये में 2000 मिलता है, जो 66 रुपये 66 पैसे के बराबर है, जिसमें हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जब महंगाई के टाइम में 66 रुपये से तो कोई अपने परिवार का भरण पोषण कर नहीं सकता है। इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमका न्यूनतम वेतनमान पीआरडी और होमगार्ड की तर्ज पर दिया जाए, जो हम अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होंगे। और नहीं तो हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि हमारा अगर मानदेय नहीं बढ़ाते हैं तो हम देहरादून धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। कितना मानदेय आप चाहते हैं कि सरकार की ओर से आपको मिले? हम सरकार के माध्यम से ये चाहते हैं कि कम से कम न्यूनतम मानदेय तब भी दिया जाए, कि 2000 से क्या होता है आजकल के महंगाई टाइम में। हम ये चाह रहे हैं कि हमको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, और हमें ड्यूटी तो 24 घंटे लिए जाती है कि गांव में कोई घटना हो गई या बाहरी व्यक्ति आता है और फेरी वाले आते हैं या कोई संदिग्ध आदमी आता है, तो उसकी हमको सूचना थानों में, अपने अपने थानों में देनी पड़ती है, जिससे हमें अपने समय भी खर्च होता है और अपने जेब का पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि हमें थाने में आने करीबन किसी को 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है, किसी को 15-20 किलोमीटर या किसी को, तो उतने में हमारा आना जाना उस पैसे में हमको नहीं हो पाता है, क्योंकि महीने में ही उतना है 2000 मिलता है, तो वो 2000 हमारा 1-2-4 दिन में खर्च हो जाता है। इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मानदेय जो है पीआरडी और होमगार्ड की तर्ज में दिया जाए। तो सरकार से आपने ये शिकायत करी है? हाँ, हमने ये परसों भी 13 तारीख को भी ज्ञापन दिया है और उससे पहले हम देते आ रहे हैं, आज तक हमने पूरे उत्तराखंड से 13 तारीख को पूरे उत्तराखंड से ज्ञापन गए हैं मुख्यमंत्री के नाम से, तो उसमें भी अब देखो क्या सुनवाई होती है, इसके बाद आगे को हम देहरादून की तैयारी में हैं। सर हम ऐसा, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह बोरा, हम जैती चौकी से हैं। हमारा मानदेय हम 2004 से लगे हैं, न्यूनतम मानदेय हमारा जो है 2000 रुपये, इससे हमारा घर का भरण पोषण नहीं हो पाता है और हमें चुनाव ड्यूटी भी लगा देते हैं, और ये कोरोना काल में भी हमने ड्यूटी की है और चुनाव ड्यूटी भी, परीक्षा ड्यूटी भी लगती है, और कम से कम मानदेय हमारा इससे ये PID होमगार्डों की तरफ कम से कम मानदेय जो मनरेगा के तहत लेबर को मिलती है वो मानदेय तब कम से कम तब भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो कभी कहते हैं, हमने वो पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जाए थे जैती में, वहाँ भी ज्ञापन दिया है और हर तहसील में ज्ञापन दिया है, तो आज हम हल्द्वानी आए हैं और हम नहीं मानेंगे तो हम देहरादून भी जाने को तैयार हैं, और हमारे कम से कम उत्तराखंड में 13-14 हज़ार ग्राम प्रहरी हैं, 14 हज़ार हैं मानदेय, 2000 में हमारा घर का भरण पोषण नहीं हुआ, हल्द्वानी आए, आना जाना खर्चा हो गया और रहना हुआ, अगर रात को रुकना है तो बस का किराया हुआ, इससे हमारा भरण पोषण नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि हमारी जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई करें, नहीं तो हम कोर्ट में गए, हम कोर्ट में जाने को तैयार हैं और देहरादून गए, हम मुख्यमंत्री और दिल्ली तक जाने को तैयार हैं। जिस तरह से आपने बताया कि 2004 से आप तैनात हैं, तो 2004 से ही आपका मानदेय सिर्फ 2000 रुपये, 200 रुपया था, 200 के बाद 500 हुआ, 500 के बाद 1000 के बाद 2000 हुआ, तब से 18 में बढ़े थे, उसके बाद कोई वेतन नहीं बढ़ा है, और ड्यूटी कहते हैं चौकी में आओ और दो बार थाने में ड्यूटी दो, और कोई
गांव में झगड़ा हो गया, किसी की डेड होगी वहाँ भी देना है, और कोई जन्म है उसका भी देना है प्रमाण पत्र, और कोई मृत्यु होगी उसका भी प्रमाण पत्र देना है, और गांव में कोई गाली गलौज करता है दारू पी के उसका भी रिपोर्ट देना है, कोई खनन कर रहा है उसका भी रिपोर्ट देना है, और रिपोर्टें हजारें मांगते हैं और मानदेय कुल 150 रुपये है, इसमें हमारा बड़ा नहीं होता है। तो आपने तब नहीं बोला कि भाई हमारा मानदेय बढ़ाओ? हमने कितनी जगह ज्ञापन दे दिया, कोई सुनाई नहीं हो रही है अभी तक। हम सरकार से यही निवेदन है कि हमारा मानदेय कम से कम मनरेगा की लेबर की तरह मानदेय तो दिया जाए। 213 रुपया मनरेगा की मानदेय है लेबरों की, कम से कम लेबर की मतलब 213 रुपया तो दिया जाए हमको मैम रोज के हिसाब से, तभी तो हम ड्यूटी कर पाएंगे अपने बच्चों का भरण पोषण, नहीं तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या हम जहर खाएंगे, क्या हमारे बच्चे खाएंगे? हम तो बेरोजगार बैठ के घर में, न इधर के रहे न उधर के, हमने पूरी जिंदगी ग्रामपरी में घुसड़ दी, अब हम घर के भी नहीं घाट के कहीं के नहीं रहे, अब हमारी उम्र अभी 45-46 साल हो गई, अब लगा लो हम 18 साल से लगे हैं, तो अब हमारी पूरी उम्र इसी में ये ग्रामपरी में चलेगी, आगे को न हमारा पेंशन हुआ, न भत्ता हुआ, न टीए हुआ, न डीए हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जब लमगाड़ा जाते हैं 200 रुपये वही 2000 में जाना है, जैती जाए वही 2000 में, कहीं भी जाएँ चुनाव ड्यूटी में जाएँ कोई भत्ता नहीं वही 2000 में जाना है, और कोरोना काल में गए वो भी कोरोना काल में इतना सामान ग्रामपरी को ड्यूटी दे दी कि क्वारंटीन करो, डेली के जितने दिल्ली बम्बई लखनऊ से आए सबको क्वारंटीन करना है, कम से कम 2 महीने हमारे वैसे ही व्यस्त रहे। ये हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे, जल्दी से जल्दी हमारी वेतन की सुनवाई कीजिए। तो देखा आपने, आज हमें इन लोगों ने बताया कि अगर सरकार इनके मानदेय को नहीं बढ़ाती है तो ये देहरादून कूच करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब ऐसे में देखना ये बात दिलचस्प होगी कि सरकार क्या इनका मानदेय बढ़ाती है, क्या 2018 से जो इनको मानदेय मिल रहा है वही मानदेय आगे मिलता ही रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो जेजेएन की खास रिपोर्ट में इतना ही, मैं अपने सहयोगी रोहित भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।